Hey guys, welcome back to my channel and a few news as lifestyle with Atisha. और आज हम बना रहे हैं आलू मटर और सोयाबीन का कीमा इन मटन स्टाइल। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले एक टोमेटो लिया जिसे मैंने रफली चॉप किया है, दो मीडियम साइज अनियन जिसे चॉप कर लिया है और दो आलू लिए हैं और तीन हरी मिर्च लिए जिन्हें थोड़ा लंबा कट किया है और एक कप फ्रोजन मटर लिए मैंने। आप चाहो तो फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हो। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल करिएगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सो भाई देखते हैं ये कैसे बनता है। तो मैं यहाँ पे एक कप ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। तो पहले हम होने देंगे अपने ऑयल को हीट और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे खड़े मसाले। और खड़े मसाले के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ सिर्फ एक तेज़पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची। और इसे अच्छे से हो जाने देंगे, भुन जाने देंगे जब तक कि इसमें से चटकने की आवाज़ ना आने लगी, तब तक इसे भुनने देंगे। और अब हमारा जो खड़ा मसाला था वो अच्छे से भुन गया, अब इसमें डालेंगे अपनी सारी प्याज। और प्याज को हम हल्का लूज ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएंगे, यहाँ तक कि प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट करने तक इसे हमें अच्छे से भुनना है। तो तब तक ही आप अच्छे से स्टिर करते रहिए और प्याज जो है हमारी अच्छे से लूज ट्रांसपेरेंट होने लगी है धीरे धीरे, देख सकते हैं आप सब। और कोई रेसिपी अगर आपको चाहिए हो या आप देखना चाहें तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए हमारी प्याज जो है यहाँ ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट एक चम्मच और उसे डालने के बाद आप अच्छे से भूनिए। और जैसे मैं बता रही हूँ अगर आप वैसे ट्राई करेंगे तो इसका पूरा टेस्ट जो है वो मटन की तरह नहीं आएगा, तो इसे बिल्कुल वैसे ही आप ट्राई करिए और ऐसे ही बनाइएगा। इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं लगे हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी भी था, तो एक बार ट्राई करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए अब हमारे जो जिंजर गार्लिक पेस्ट था उसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मटर, क्योंकि हमें मटर को कब तक पकाना है, जब तक कि मटर हमारी सॉफ्ट ना हो जाए। तो अब हम मटर को अच्छे से भून लेंगे इसमें। और मैं आपको बता दूं सोयाबीन जो मैंने ली है, एक कप सोयाबीन ली थी उसे मैंने गर्म पानी में पहले डाल दिया था और इसे मैंने चॉपर में चॉप किया है, क्योंकि अगर आप इसे मिक्सर में चॉप करते हो तो वो बिल्कुल महीन हो जाएगी, तो वो मटन वाला अच्छा नहीं आएगा, वो टेस्ट भी नहीं आएगा। तो इसे आप याद रखें चॉपर से ही चॉप करें या फिर आप नाइफ से भी इसे हल्का हल्का काट सकते हो, तो टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो अब हमारे यहाँ पर मटर होने लगी है लाइट सॉफ्ट। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू, क्योंकि हमें आलू को भी भूनना है अच्छे से। तो हम इन दोनों को तब तक ही भून देंगे जब तक कि हमारी मटर सॉफ्ट ना हो जाए और हमारे आलू अच्छे से फ्राई ना हो जाए। तो अभी आप इन सबको मिक्स करने दीजिए। देखिए और खुशबू तो अभी से ही अच्छी आ रही है बिना मसाले के ही। तो अब मैं इसे आधा थोड़ा सा पानी डाल के ताकि हमारी मटर नीचे लगे ना, और इसे कर दूंगी बस ऐसे ही कवर। आपको उसका प्रेशर नहीं देना है, इसे वैसे ही कवर कर देना है दो मिनट के लिए और फिर हम लिड हटाएंगे अपनी। और हमारी मटर जो है वो सॉफ्ट हो गई है, आलू भी हल्के फ्राई हो चुके हैं। तो हम इसमें धीरे धीरे ऐड करने लगेंगे अपने ड्राई इन्ग्रीडियंट्स, लेकिन उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने टमाटो काट के रखा था वो। और याद रखें अभी मैंने ग्रीन चिली ऐड नहीं की है, ये उसे लास्ट में करेंगे क्योंकि उसको तलना नहीं है हमें, सिर्फ एज अ टेस्ट के लिए डालना है। अब हमने उसमें डाल दिया है टमाटर और इसे हम अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। आप चाहो तो पहले नमक ऐड कर सकते हो, पर मैंने अभी नमक ऐड नहीं किया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें धीरे धीरे करके डारे ड्राई इंग्रीडियंट्स डालेंगे। पहले हम टमाटर को हो जाने देंगे सॉफ्ट अच्छे से,
थोड़ा सा पानी मैंने और डाला है, अगर आपको नीड हो तो आप डालिए वरना कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसे मैं कर दूंगी थोड़ा सा पानी डाल के और लिड से कवर सिर्फ 2 मिनट के लिए, ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, और उसके बाद हटा देंगे लिड 2 मिनट के बाद, और देखिए हमारे सब सब्ज़ी में से अच्छी खुशबू आने लगी है और टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी सोयाबीन जैसे हमने चॉप करके रखा था, और इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। को ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से भूनेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को इसलिए हमने पहले भूना था क्योंकि हम इसमें सिर्फ एक विसल देंगे और उसके बाद विसल नहीं देंगे, एक या दो, क्योंकि हमारी सोयाबीन जो है वो पहले से ही सॉफ्ट है, अगर हम ज़्यादा विसल देंगे तो ख़राब हो जाएगी। इसीलिए हमारी मटर भी सॉफ्ट हो गई है, आलू भी फ्राई हो गए हैं और सोयाबीन भी इसमें अच्छे से हो गई है। तब हम इसमें धीरे धीरे ऐड करेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, और ये देखिए आप हल्का सा पानी और सिर्फ भूनने के लिए 1 कप वाटर डाला है मैंने। देखिए अब ट्राई ज़रूर कर दीजिएगा आप लोगों को, ना मटन कीमा की याद आ जाए ना, तो आई एम श्योर आप लोग को बहुत अच्छी लगने वाली है ये रेसिपी। मेरे ही कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और ये देखिए हमारी चीज़ें जो हैं जल्दी जल्दी सब ना भुन गई हैं, मैंने ज़्यादा स्पीड पे वीडियो नहीं लगा रखी है, अगर आप बोर हो रहे हो तो पर नहीं, क्योंकि मैंने आपको पूरे स्टेप वाइज दिखाया था कि आप लोगों को ये ना लगे कि मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके अलग अलग चीज़ें तो नहीं डाली, क्योंकि ऐसा होता है कि मतलब जल्दी जल्दी में कुछ छूट जाता है। तो अब मैं इसे एक बार और 1 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, ताकि जितने ड्राई हमारे इंग्रेडिएंट से वो और पक जाए और मटर हो जाए सॉफ्ट। तो ये देखिए अब ये पूरी तरह से सोयाबीन भी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, आलू भी फ्राई हो गए हैं। अब मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी 1.5 कप के करीब, अगर आपको नीड हो तो आप डालें वरना ना डालें। अब मैं इसमें डाल दूँ 2 कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर पाउडर डाल दिया है मैंने इसमें, आप चाहो तो कंटिन्यू आश्योर आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हो अगर आपको इतनी नींद हो, पर एक बार मेरे कहने से इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसमें आपके ना मतलब टेस्ट अभी से ही खुशबू होने लगी है, 1/4 मैंने हल्दी डाली है, और अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, वो आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो। अगर आप ज़्यादा मिर्च डालते हो तो ऑफकोर्स आप ज़्यादा मिर्च डाल सकते हो इसमें, पर हम इसमें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस हिसाब से डालें। और इसके बाद मैं अपनी चॉप करी हुई हरी मिर्च भी अब डाल दूँगी, और इन सबको अच्छे से कर लेंगे इसके बाद मिक्स सारे इंग्रेडिएंट्स को। आप सोचोगे पहले मैंने क्यों नहीं डाला, क्योंकि जब आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालें किसी भी सब्ज़ी में तो यहाँ तक कि आप सब्ज़ी को पहले बहुत अच्छे से भून लीजिए, क्योंकि सब्ज़ी का जो असली टेस्ट है वो तभी आता है, मसाले तो बाद की चीज़ है। इसीलिए मैंने इसमें मसाले बाद में ऐड किए हैं, और अब मैं इसे अच्छे से भून लूँगी जब तक कि हमारा तेल जो है वो सरफेस पे ना आ जाए, तब तक कि मैं इसे भूनती रहूँगी। और आप चाहें तो बढ़ा लें घटा लें या ना भूनें, आप पहले भी डालो पर एक बार इसे ज़रूर डालिएगा। और अब हम इसे देखिए हमारा तेल जो है वो अभी से छूटने लगा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने सब्ज़ी को बहुत अच्छे से भुना हुआ है। अब इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, और इसे भी अच्छे से कर लेंगे स्टिर, क्योंकि ज़ीरा पाउडर मेरा घर का भुना हुआ है इसने मैंने ऐसे डाला है। आप अगर मार्केट वाला यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले इंग्रेडिएंट में डाल सकते हैं। और ये देखिए सब्ज़ी का कलर भी बेहतरीन आ रहा है, खुशबू भी उड़ रही है,
और इसके बाद मैं बना रही हूँ उसको मटन स्टाइल में, तो उसमें मैं ऐड करूँगी क्या वो भी अभी मैं आपको बताती हूँ। अब मैं ना इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच केवड़ा वाटर। आप चाहो तो रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो केवड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हो। तो मैं सिर्फ 1 चम्मच केवड़ा वाटर करूँगी, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है सब्ज़ी में। तो मैंने 1 चम्मच केवड़ा वाटर डाल दिया, आप देख सकते हो सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा है, ऐसे ही खुशबू डल रही थी। अब मैंने 1 कप पानी इसमें और डाला है, क्योंकि मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। अगर आप ग्रेवी वाली नहीं बना रहे हैं तो आप इसे सूखी भी एक प्रेशर दे के बंद कर सकते हैं। अगर आप मेरी तरह ग्रेवी वाली बना रहे हैं तो आप पानी डालिए, इसे अच्छे से भूनते रहिए, और उसके बाद उसमें मैं 1 कप और पानी यूज़ करके इसे लगा दूँगी लिड, ताकि इसमें आ सके प्रेशर। और इसको सिर्फ मैं 2 प्रेशर तक ही पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी सारे इंग्रेडिएंट्स बन चुके हैं, वरना आलू जो है हमारा गल जाएगा। तो आप ये देखिए, अब हमारा तेल बिल्कुल टोटल सरफेस पे आ चुका है। अब इसे हमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत तो नहीं लग रही, तो अब मैं यहाँ लगा दूँगी अपनी लिड को। और इसमें मैंने डाल दी है अब कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी से और टेस्ट जो है वो इन्हांस हो जाता है। तो प्रेशर लगाने से पहले हम इसमें डाल देंगे कस्तूरी मेथी और 1 ग्लास पानी, और इसको एक बार चला के अच्छे से कस्तूरी मेथी को मिक्स करके, ताकि वो पूरे में मिक्स हो जाए। कलर तो अभी से ही बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हैं। और अब मैं लगा दूँगी प्रेशर। तो ये देखिए, हम सिर्फ इसे ऐड पानी करके हम इसमें लगा देंगे प्रेशर। 2 प्रेशर लगाऊंगी मैं इसमें बस, और ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।